नमस्कार, मैं प्रियेश पाठक कुशीनगर से, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष। भारतवासियों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। प्रियेश जी, देखा जाए तो अभी एक हफ्ते पहले मोदी जी ने और अमित शाह ने कश्मीर से 370-35 को समाप्त किया है, और इससे भारतवासियों को और कश्मीर वासियों को कितना बेनिफिट और कितना फायदा पहुंचेगा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को दूंगा कि जिनके नेतृत्व में आज जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की समस्या थी, धारा 370 और 35 से हटाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी को। आगे देखा जाए तो कश्मीर एक पर्यटन स्थल है और वहाँ पे रोजगारों की समस्या बहुत जाती है, तो क्या वहाँ रोजगार के लिए भी सुलभ होंगे? जी, अभी कल का न्यूज है कि माननीय अंबानी जी ने वहाँ पर फैक्ट्रियां बैठाने के लिए माननीय अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी से बात किया। आगे चल के हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनके लिए भी वहाँ पे रोजगार मिल सकता है? सबसे पहले मैं आपसे ये बता दूं कि अभी जो 15 अगस्त आने वाला है, पहली बार लंबे समय उपरांत 70 सालों के बाद वहाँ पे भारत का झंडा फहराएगा, और सिर्फ यही नहीं, वहाँ के युवाओं में ने बढ़ चढ़ के इसमें भी हिस्सा लिया है, जिसके वजह से आज देख रहे हैं कि शांति वहाँ पे अस्थायी रूप से बनी हुई है। और दूसरी बात ये कहेंगे कि अगर वहाँ की युवा अगर कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है, और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह की और भारतीय जनता पार्टी की जो हुआ है 370 और 35 से हटाया, इस पे अगर वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग हो तो भारतीय जनता पार्टी ने भी सोच के रखा होगा कि वहाँ पे वहाँ के युवाओं के बारे में, वहाँ के लोकल गरीब के किसानों के बारे में हर चीज वहाँ पे व्यवस्थित की जाएगी।